हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मिक्स वेजिटेबल। तो बहुत बढ़िया बन रहा है इस तरीके से बनाने से और बहुत टेस्टी होती है। तो गाइज, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी, हमारी रेसिपी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते बनाना। ये देखिए, मैंने वेजिटेबल्स को काट लिया है और कट करने के बाद मैंने इसे फ़ोरन दिया इसमें, और फ़ौरन में मैंने लाल मिर्च डाले हैं, जीरा डाला है, तेज़पत्ता डाला है, और गरम मसाले, दालचीनी का एक टुकड़ा डाला है गरम मसाले में, और दो छोटी इलायची डाली है, लौंग डाला है, और बस इसे तेल में डाल के अच्छे से चटकने देना है। उसके बाद चॉप किए हुए अनियन मैंने इसमें डाल दिए, चॉप किए हुए अनियन इसमें गए, और इसे फ्राई कर लेनी है। जब ये हमारे फ्राई हो जाए, लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर मैं फ्राई कर रही हूँ, और कुकर में बनाने का मतलब है कि तुरंत बनाना है हमें, इसलिए मैंने कुकर में बनाना स्टार्ट किया। आप चाहो तो पतीले में भी बना सकते हो। और ये देखिए, हमारा फ्राई हो गया अनियन, उसमें मैंने जो चना दाल धो करके रखा हुआ था उसे मैंने इसमें मिक्स कर दिया। चना दाल को आधे घंटे से मैंने पानी में भिगो के रखा था ताकि अच्छी तरीके से ये भीग जाए। आप चाहो तो और भी कुछ चना के साथ और कुछ भी मिक्स कर सकते हो। ये अदरक लहसुन का पेस्ट गया इसमें, और इसे भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेनी है ताकि इसका कच्चापन चला जाए। और लगातार चलाते रहना है, क्योंकि लगातार नहीं चलाने से ये बैठ जाता है नीचे और जल जाने का डर है। और ये देखिए, मैंने वेजिटेबल्स काट लिए हैं और सबको इसमें मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेनी है। इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है एक चम्मच, और साथ में मैंने इसमें हल्दी पाउडर एक चम्मच डाला है। आप अपना क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में मैंने मिक्स वेजिटेबल्स के मसाले डाले हैं, साथ में मिक्स मसाले जो आते हैं वो डाले हैं इसमें, और मैं नमक डाल दी हूँ साथ में, और बस इसे चला लेनी है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेनी है। ये देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है साथ में मसालों के साथ, इसे मैंने मिक्स कर लिया। ये हमारे मिक्स हो गए मसाले, और मैंने इसमें गरी यानी कि नारियल, कच्चा नारियल अच्छे से इसे चॉप करके डाल दिया इसका टेस्ट आने के लिए, इसमें मिक्स किया है साथ में, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेनी है इसमें। इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़ के आता है। ये साउथ इंडियन डिश है घंटो, इसको घंटो भी बोल सकते हैं आप। और इसमें मैंने पानी डाल दिया, एक बड़ा कप का पानी डाला है मैंने इसमें, ताकि ये फटाफट से बन के हमारा तैयार हो जाए। तो ये देखिए, आपके पास जो भी वेजिटेबल्स है अवेलेबल आप डाल सकते हो उसमें, इसमें कोई रोक नहीं है। मैंने डाला था इसमें साथ में, और ये देखिए मैंने लास्ट में मसाले और ऐड किए हैं इसमें, इसमें डाला है मैंने, ये बन के जब तैयार हो गया हमारा वेजिटेबल्स, फिर मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं, और साथ में धनिया की पत्तियां काट कर रखी हुई थी, और इसे मैंने मिक्स कर दिया है, और थोड़ी सी सब्ज़ी मसाले डाले मैंने, जो अभी ऐड किया वो सब्ज़ी मसाला था। और देखिए, बस ढक्कन खोल कर हल्का सा एक बार 5 मिनट के लिए पकने देना है इसको, ताकि हमारे मसाले कच्चे ना रह जाएँ, और बन के तैयार हो रहे हैं हमारे मिक्स वेजिटेबल। तो गाइस, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, नए हैं तो बेल आइकन को भी टच कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, मैंने इसमें डाला था पोटल, बैगन, कुमड़ा, कद्दू, बीन्स, फूल गोभी, और साथ में आलू डाला है, और यानी कि आपके पास जो भी सब्जी है, मूली डाला था इसमें मैंने, गाजर के टुकड़े कुछ डाले थे, जो भी है आपके पास सारे ऐड करके आप इसे बना सकते हैं अच्छी तरीके से। बहुत टेस्टी एंड हेल्दी होती है ये, तो इस तरीके से बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।